बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एन डी एस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो पेपर शुरू किया है, असिस्टेंट का पेपर है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लाई हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद में ये पेपर हो चुका है। पेपर 10/11/2021 को हो चुका है। इसके दो पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड चुका हूँ और इस वक्त इस पेपर का पार्ट थर्ड है और आज के पार्ट में भी मैथमेटिक क्वेश्चंस है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट कंप्यूटर साइंस रिलेटेड होगा। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 24 दिस वन सीरीज का क्वेश्चन है। चूज द राइट ऑप्शन गिवन फ्रॉम द फोर ऑप्शन, कंप्लीट द सीरीज। सीरीज को पहले देखिए जरा गौर से। 7, 11, 16, 22, 26 और 31। तो इस सीरीज को कैसे फाइंड आउट करना है, पहले आपने देखना है कि 7 और 11 में जो डिफरेंस है, 7 और 11 में कितना फर्क है, 4 का है, कितना है, 4 है। फिर 11 और 16 में 5 का डिफरेंस है, 11 और 16 में 5 का डिफरेंस है। फिर 16 और 22 में, 16 और 22 में 6 का डिफरेंस है। ये तीन आपने जान लिया, पहले में 4, दूसरे में 5, तीसरे में 6। यहां से वंस अगेन 22 और 4 का दरमियान डिफरेंस 4 है, 26 और 31 के दरमियान डिफरेंस 5 है। तो अब इसके बाद ऐसा हिंसा होना चाहिए कि जिसके दरमियान डिफरेंस फर्क जो हो वो 6 हो। जिस तरह के पहले वाले सीरीज को देखिए, 4 डिफरेंस है, फिर 5 है, फिर 6 है। यहां फिर 4 से शुरू हुआ है, 4 डिफरेंस, फिर 5 और नेक्स्ट विल बी 6। तो यहां पर ऑप्शन डी, अगर 37 को हम लगा ले तो 31 और 37 के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा डिम है, नजर नहीं आ रहा, ऊपर लिखाई की गई है। तो 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अ क्वाड्रिलेटर इज अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहां 5 की वैल्यू एक दफा इसको माइनस ले ले और दूसरी दफा इसको प्लस ले ले। तो देखिए जरा, पहली दफा हम इस तरह करते हैं कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की वैल्यू पे फर्स्ट टाइम हम इसको प्लस ले लेते हैं, क्या करते हैं, प्लस ले लेते हैं। तो यहां पर x की 3 को इस तरह प्लस बन जाएगा, तो यहां पर इसका वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू 8, इसका आंसर आएगा 8। ओके, अब x 5 को माइनस ले ले, 5 को माइनस ले लो, तो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5, ये आ जाएगा माइनस 5। अब माइनस 5 में से अगर 3 इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसका आंसर सॉल्यूशन सेट आएगा ऑप्शन ए को देखिए, 8 माइनस 2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 15 आदमी किसी घर को 28 दिन में बनाता है, 15 मेन बिल्ड अ हाउस इन 28 डेज। 15 आदमी 28 दिनों में बनाता है, तो 10 आदमी उस घर को कितने दिनों में बनाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, यहां पर लिख ले मिन, एम के माने मिन, 15 बंदे इस घर को कितने दिन में बनाता है, 28 दिन में, ये कर लो डी डेज, 28 हो जाएगा। और अब क्या करना है कि 10 बंदे इस घर को एक्स डेज में बनाएगा। अब यहां पर रिलेशन देंगे, बंदे अगर कम हो गए तो दिन ज्यादा होंगे, इनवर्स रिलेशन है यहां पर। जब
इन रिलेशन इनवर्स हो तो आपने क्या करना है, इस तरह इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इक्वल टू इसका, तो ये आ जाएगा 10x, 10x मसावी है 15 ज़रबे 28, 15 ज़रबे 28 को अगर आप 15 से ज़रब दे दें तो 420 आएगा, 420 आएगा। अब दोनों साइडों को 10 पे डिवाइड कर लो तो ये 10 ये क्रॉस हो जाएगा जीरो के साथ, ठीक है, ये भी क्रॉस हो जाएगा 10 से, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा 42। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखे, 29 नंबर, सॉरी ये 29 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर देखे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज 1/5% ऑफ 5000, 5000 का 1/5%। तो ये देखिए, पहले 1/5 को आप हल करें, 1/5 को, 1/5 से 1 को जब 5 पे डिवाइड करो तो इसका आंसर आएगा 0.2 आएगा, 0.2। तो इसका मतलब कि 0.2% ऑफ 5000, तो इसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करें इस तरह, ठीक है। अब इसको जरब दे दे 5000 से, जरब 5000 से, ये 2 0 क्रॉस हो जाएंगे इसके साथ। अब 50 को 0.2 से जरब दे दो तो आपके पास आंसर आएगा 10। 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, नहीं तो आप कैलकुलेटर से करें, इसका आंसर आएगा 10। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि 2a+11 इज इक्वल टू 5 - 4a। तो ये 2a, ठीक है, 2a, चलो मैं लिख लेता हूं, 2a+11, 2a+11 ये क्वेश्चन इस तरह है, इज इक्वल टू 5 - 4a, 5 - 4a इस तरह है। तो पहले इस तरह करें कि ये 2a और ये 4a, ये जो इस तरफ आ जाएगी तो प्लस हो जाएगा तो 6a आएगा, 6a, सॉरी a, ठीक है, 6a ये इस तरह आ जाएगा, और ये 5 और ये है 6 11, तो 11 इस तरफ ले तो 1 भी हो जाएगा, तो 5 में से -11, तो ये -6 आ जाएगा, इसका -6 हो जाएगा। अब दोनों को 6 पे डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा -1, आंसर आएगा -1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर क्वेश्चन को जरा देखें, व्हेन यू डिवाइड 0.7/10, 0.7, तो ये नीचे से 1 ले तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन आएगा 0.07। इसको आप प्रैक्टिकली कर लो, ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये एनालिटिकल रीजनिंग का है। अब अगर इसको मैं हल करना शुरू करूं तो काफी टाइम लगेगा इस पर, तो लिहाजा इस क्वेश्चन को हम स्किप कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से, 37 से, यस, और ये कंप्यूटर पोर्शन का है, तो बाकी इंशाल्लाह अब इजी रह गया, जल्दी से हल करेंगे। आज की वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।